देखेंगे कि सारी नस नाड़ियां सारे अंग जो है जवाब देने लगेंगे, नृत्य करने लग जाएंगे कि बस वॉकिंग तो करना है। जैसे सुबह निकलने करते हो ना, जो 10 किलोमीटर चलते हैं, यकीन मानिए 2 से 3 मिनट में वो प्रभाव ऐसे ये बस क्या कर रहे हैं हम तो धीरे धीरे वॉकिंग कर रहे हैं। मत उठाएं जी, इतना जल्दी थकना नहीं है, उठाएं। आजकल के बच्चे घी वाला है कि पिज्जा बर्गर, प्रभावित करने वाला शरीर को जो महसूस करा दे अंदर तक, जवाब आने लगे आपके पैनक्रियाज और लीवर से। सेकंड लेवल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस दोनों हाथ घुटनों पर रख ले, अब पैरों में सुविधाजनक दूरी और घुटनों को इस प्रकार चला दे ऐसे। ये देखो मौन रहकर साधना करनी है आज, ध्यान रखना ये टास्क है आपका। चेहरे मुस्कुराते हुए और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। और मैं आयोजक करता से मैं निवेदन करूंगा, 1 घंटे में आनंद आ जाएगा। रुकना है, आज 21 जून है, केवल फेसबुक और व्हाट्सएप में अपलोड नहीं करना है फोटो को, आज वास्तव में करना है। याद करोगे कि कोई आया था, किसी ने कुछ कराया है, और कुछ नहीं हमको खड़े खड़े करना है, बहुत रॉकेट टाइप से कोई चीज नहीं करनी, बहुत आराम से करना है। कंधों को चला ले बढ़िया से, नहीं ऐसे नहीं, सीधा करके भाई, कंधों को चला ले, अपोजिट चला ले, बढ़िया। देखो कितना सुंदर, कैसे मजा आ रहा है बगैर पंखों का। थोड़ी देर बाद चला लेंगे, अगर हाथ ज्यादा उठेगा ना सर पंखा चलाएं तब मैं चलवाऊंगा, हालांकि मेरी इच्छा तो नहीं चलाने की है, पर आप लोगों का ख्याल है। रियली यकीन मानिए पंखों की आवश्यकता ही नहीं है, लाइट गोल रहता तो अपन रहते ना, सोच लो लाइट ही गोल है आज। अपोजिट धीरे धीरे चलाएं, प्रभावित करते हो, ऊपर ले जाएं तो देखें कोनिया मिल रही कि नहीं, ऐसे मिला के ऊपर ले जाके कोहनियों को मिला के देखे, मजा आ जाएगा। मिलाए कोहनियों को, मिल जाएगा, इस टाइप से करते रहे। अपोजिट बिल्कुल वॉक संयम होना चाहिए, बिल्कुल मौन रहकर आज मैं ज्यादा देर नहीं कराऊंगा, 40 से 45 मिनट की साधना होगी। स्थिरता आती है, कहते हैं मन जितना स्थिर हो और शरीर जितना चंचल हो उतना स्वस्थ होता है शरीर और मन। खींचे थोड़ा और, खींचे खींचे खींचे, धीरे से एड़ियां रख के, अरे अभी कंधा नीचे कर के बोल रहा हूं, तो कंधे ऊपर ही रहे। जितनी आपकी चाहत है शरीर के लिए उस सारी चाहत, कोई दुबला होना चाहता है, कोई मोटा होना चाहता है, कोई कमर में दर्द है, सारे दर्द आप ठीक करके जाएंगे। खींचे तिरियक ताड़ासन, धीरे से दाईं ओर, मजा लेना है। बच्चे लोग कहते हैं ना, युवा लोग ये क्या योगा छोटा छोटा करते हैं, हम तो जिम जाते हैं, बड़ा मजा आता है, जुम्मा में नाचते कूदते हैं। अरे उतना एक साइड जाके रुके थोड़ा, देखे पसलियों पर आपके हृदय पर कैसे प्रभाव पड़ता है। आगे पीछे मैं निर्देश दूंगा ना, एक साइड रुक जाके रुक जाए, आनंद ठहरने में है। रुके धीरे धीरे वापस, हथेलियां पलटते हुए नीचे, कैसा लग रहा है? घुटनों से लग जाए, देखा आपने, मस्तक पूर्ण रूप से घुटनों से लग गया, आपके थोड़ी सीने से कंठकुप से कालरबोन से लग गई, पेट पीठ से लग गया, मूल बंद लगा हुआ, त्रिबंद महाबंद की स्थिति पे रुका है यहाँ पर। ये अवस्था हम सब की होनी चाहिए। श्वासों के साथ धीरे धीरे वापस, और अब हम सब इस क्रिया को करेंगे। सर की स्टेमिना तो इतनी है कि 2 से 3 मिनट भी रुक जाएंगे क्या? हम लोग आधे मिनट 1 मिनट में विकेट डाउन हो जाता है। पर के निचले से निचले भाग से झुके धीरे 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 धीरे, और अगर हाथ पैरों के दाएं बाएं रख जाएं तो सुंदर अवस्था, ना रख पाए तो अपनी क्षमता का ध्यान रखाने का प्रयास, बाकी अपनी क्षमता का ध्यान रखेंगे सभी। इसमें हमारे मणिपुर चक्र पर प्रभाव, ऋण पर सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित मणिपुर चक्र, जहां पर हमारी महत्वपूर्ण ग्रंथियां, हमारी अग्नि ग्रंथियों पर प्रभाव, पाचन तंत्र सुदृढ़ बनते हैं, चेहरे में चमक आती है, चेहरे में तेज आता है, चेहरे की लालिमा बढ़ती है,
बाल झड़ने की परवाह सुंदर जाता और अच्छे से कर ले। धीरे से श्वास भरते हुए वापस, धीरे धीरे हमें अवश्य करना है। जिन्हें तीव्र बैक पेन हो वे इसे नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। हम कर श्वास लेते छोड़ते रहते हैं, श्वास के शांति धीरे वापस। अब इसी आसन को हम सभी मिलकर करेंगे, चलिए। और कमर के निचले हिस्से से पीछे गए। ये विजाती द्रव्यों का निष्कासन बहुत आवश्यक है, इसमें हमारे टॉक्सिन्स बाहर होते हैं। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा 0.1% रुके। मौन की साधना अभी सर ने क्या कहा, हम सब